हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में। ब्लड शुगर टेस्ट के जरिए हम अपने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल पता कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी कारण होते हैं जिसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है, पर मोस्ट कॉमन कारण होता है इसका डायबिटीज मेलाइटस। इसके अलावा भी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, उसके बारे में आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा होता है प्री डायबिटिक कंडीशन, तीसरा होता है गेस्टेशनल डायबिटीज जो कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज होती है, चौथा कारण होता है ड्रग इफेक्ट। अगर आपको कोई कार्टिकोस्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चल रहा हो तो उस कंडीशन में भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट कारण होता है पेनक्रियाटिक कंडीशन। पेनक्रियास एक ऐसी ग्लैंड होती है जो कि इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है और इंसुलिन ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। अगर पेनक्रियास में किसी तरह की कोई बीमारी होती हो जैसे पेनक्रियाटाइटिस या फिर पेनक्रियाटिक कैंसर, तो इस कंडीशन में भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डायबिटीज के लक्षणों की। तो जैसे बार बार यूरिन पास करने जाना, जनरली नाइट में एक बार उठ के यूरिन पास करना नॉर्मल होता है, पर अगर आपको बार बार तीन या चार बार उठ के यूरिन पास करने जाना हो तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो। दूसरा लक्षण होता है बार बार प्यास लगना। अगला लक्षण होता है वजन घटना या फिर आपको बहुत कमजोरी फील होना। अगला लक्षण होता है घाव का नहीं भरना। जनरली घाव तीन या चार दिन में हील हो जाता है, पर अगर आपको लंबे समय तक घाव नहीं भर रहा हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो। और अगर आपकी एज 45 साल या इसके ऊपर है तो कम से कम आपको साल में एक बार शुगर टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायबिटीज के लक्षण नजर नहीं आते लेकिन ब्लड शुगर टेस्ट करवाने पर आपकी शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। इसलिए एक जनरल चेकअप के रूप में आपको ब्लड शुगर लेवल साल में एक बार जरूर करवा लेना चाहिए। और अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री हो जैसे कि आपके माता पिता या भाई बहन किसी को भी डायबिटीज हो तो आपको भी डायबिटीज होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं शुगर टेस्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो पहला टेस्ट होता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, दूसरा होता है पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर टेस्ट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपी ब्लड ग्लूकोज भी कहते हैं, तीसरा होता है रेंडम ब्लड शुगर लेवल, अगला होता है 75 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जीटीटी टेस्ट, और अगला होता है HbA1c टेस्ट। तो जीटीटी एंड HbA1c टेस्ट के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगी। आज मैं आपको फास्टिंग, पीपी एंड रेंडम ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में बताऊंगी। अब हम बात करते हैं ब्लड शुगर टेस्ट करवाने के पहले कौन कौन सी सावधानियों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं ब्लड शुगर टेस्ट करवाने से पहले कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट जब भी करवाना हो तो आपको कम से कम 8 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए। 8 घंटे से लेके 15 घंटे का फास्टिंग जरूरी होता है। 8 घंटे से कम भी नहीं होना चाहिए और ना ही 15 घंटे से ज्यादा का फास्टिंग होना चाहिए। तो आप जब भी ब्लड शुगर टेस्ट के लिए पैथोलॉजी पे जाएं तो सुबह खाली पेट जाएं, आपको चाय भी नहीं लेना है, आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। और अगला टेस्ट होता है पीपी ब्लड शुगर टेस्ट। तो पीपी ब्लड शुगर टेस्ट के लिए आप जैसे रूटीन डाइट में जो लंच लेते हैं वैसा ही रूटीन डाइट लें, और लंच के 2 घंटे बाद ये ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो अगला टेस्ट होता है रेंडम ब्लड शुगर टेस्ट। ये टेस्ट जस्ट फॉर हेल्थ चेकअप के लिए रहता है। ये टेस्ट डायबिटीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर आप एक जनरल चेकअप में ये देख सकते हैं कि कहीं आपका ब्लड शुगर लेवल तो नहीं बढ़ रहा है, इसलिए रेंडम ब्लड शुगर किसी भी समय दे सकते हैं। 24 घंटे में आप जब चाहें ये सैंपल दे सकते हैं। इसमें आपने कब खाना खाया ये चीज मैटर नहीं करती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं टेस्ट के इंटरप्रिटेशन की। अगर आपके हाथ में रिपोर्ट है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है या फिर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगी। चलिए अब हम बात करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल की। तो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अगर वैल्यू आती है तो नॉर्मल होता है। और अगर आपकी ब्लड शुगर की वैल्यू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके
125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच आती है तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में आएंगे। अगर आपकी ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू 126 मिलीग्राम और उसके ऊपर आती है तो फिर आपको डायबिटीज है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल की। तो अगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अगर शुगर वैल्यू आती है तो वो नॉर्मल कहलाती है, और अगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच आती है तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में कहलाएंगे, और अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर वैल्यू अगर आती है तो आपको डायबिटीज है। अब हम बात करते हैं रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल की। तो रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 140 मिलीग्राम डेसीलीटर नॉर्मल होती है, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्री डायबिटिक कहलाता है, और 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर डायबिटिक कंडीशन में कहलाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।